प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर में कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने स्व सशक्तिकरण विषय पर अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर जालंधर के प्रमुख डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित रहे। डॉक्टर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हमारे मन, शरीर, भावनाओं और संबंधों को सकारात्मक परिवर्तन आता है। विज्ञान और आध्यात्मिक के अनोखे गठबंधन को उन्होंने सुंदर जीवन के लिए आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि एक खुशनुमा जीवन के लिए संबंधों में मधुरता, सहयोग की भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव अरोड़ा, डॉक्टर सुषमा चावला, डॉक्टर दीपक चावला, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर एमएस भूटानी, डॉक्टर वीपी शर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध, डॉक्टर दीपक मोदी, डॉक्टर बग्गा, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर दीपाली लूथरा, डॉक्टर रेखा कालिया भारद्वाज, आरएसएस प्रमुख प्रमोद, डॉक्टर आरएस वत्सन, डॉक्टर दीपक चावला सहित कई नामी डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी और दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर से मिलकर। दोस्तों, हमारा जीवन जो है हमारे संकल्पों का ही कॉन्सिक्वेंस है। आज हम डिजीज़ की बात करते हैं तो वो दो शब्दों से बना है, डिस और ईज़। ईज़ यानी कंफर्ट, यानी सुकून जब हमारे मन से चला जाता है। दोस्तों, आज अगर हम अपने संकल्पों को परिवर्तित करते हैं तो उसके द्वारा ना केवल हमारा मन लेकिन हमारा शरीर भी परिवर्तित हो जाता है, हील कर जाता है। और इसी शक्ति को जागृत करने के लिए, लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। दोस्तों, आप देखिए कि जिस प्रकार जीवन में तीन आधार स्तंभ माने गए हैं, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, उसी तरह इस डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट को हम अपने शरीर के लिए तो यूज़ करते हैं। शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, शरीर को अच्छा हम लोग व्यायाम कराते हैं और शरीर को हम नींद भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने संकल्पों को भी अच्छा भोजन दें, अपने संकल्पों को हम अच्छी एक्सरसाइज, लोगों के लिए अच्छा सोचना सिखाएं, अच्छा उनके लिए करना सिखाएं दोस्तों, और दोस्तों केवल नींद शरीर के लिए नहीं लेकिन अपनी आत्मा, अपने मन को भी योग और मेडिटेशन के द्वारा उसको सुकून में रहना सिखाएं। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत ही एक वंडरफुल और पावरफुल प्रोग्राम हुआ, जो आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं उसके ऊपर विशेष हमारे बीच डॉक्टर मोहित गुप्ता जी आए थे। उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा और भी उन्होंने जो जो जीवन में दुख पाया, फिर उससे कैसे मुक्ति पाई, बीमारियों से कैसे मुक्त हुए, वो तो सारा उन्होंने अनुभव सुनाया। क्योंकि राजयोग एक ऐसी कला है जो हमारे अंदर जो छिपी हुई योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालते हैं। और हम जितने भी जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति एक वो पावर है कि हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने परिवार को अच्छा बना सकते हैं, समाज को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर क्लास हुई और हम सब चाहते हैं कि सभी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें और अपने मन की जो अंदर शक्तियाँ हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएं।